हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो और बनाया था जो कि बेसिक था। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमने इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल किया था वहाँ पर, और उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो थी उसके अंदर इशूइंग बैंक, बायर ऑफ एन LC, एडवाइजिंग बैंक, बेनिफिशरी क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर उसकी एक प्रोसेस समझने वाले हैं कि किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं जो कि आपको क्लियर कर देगा फाइनली कि लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कि किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट काम करता है, तो इसका वर्क फ्लो किस तरीके से होगा। तो हम इसको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करते हैं कि आप इंडिया के अंदर हैं और आपको कोई मशीन है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन है जो कि आपको बाई करना है, परचेज करना है यूएसए से। तो ये यूएसए के अंदर अवेलेबल है और आपको इसका एक सेलर मिलता है जो इसको सेल करने के लिए तैयार है वहाँ से, और आप इसकी कॉस्टिंग वगैरह पूछते हैं, इसे कोटेशन वगैरह मंगाते हैं। इसकी कॉस्टिंग फाइनली आपको जो पड़ती है डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, तो ये आपको 1 लाख रुपीज़ के आसपास ये मशीन आपको वहाँ से पड़ रही है। तो देखिए, इस केस के अंदर आप बन गए यहाँ पर बायर, आपको ये मशीन परचेस करनी है। तो हमारे पास सेलर है, बायर है, तो अब आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली सेलर को फंड ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप सेलर को डायरेक्टली फंड ट्रांसफर करते हैं तो इसमें रिस्क क्या है कि अगर आपने यहाँ से फंड तो ट्रांसफर कर दिया सेलर को, बट सेलर ने गुड्स को डिस्पैच नहीं किया, तो यहाँ पर आपका कैपिटल पूरी तरीके से रिस्क में चले गया। तो हम लोग ये तरीका तो यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग जो तरीका यूज़ करने वाले हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम लोग जो ये गुड्स है इसको यहाँ पर मंगवाने वाले हैं, क्योंकि वो सेफ तरीका है लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ करके। तो अब हम लोग डिटेल के अंदर ये समझते हैं कि किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ करके हम लोग इस गुड्स को यहाँ पर मंगवा सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर इंडिया में आपको गुड्स परचेस करना है जो कि यूएसए के अंदर है, तो आपने सेलर से सारा कोटेशन ले लिया है कि किस प्राइस पे वो आपको सेल कर रहा है, और आप एग्री हो चुके हैं, तो बायर और सेलर का एग्रीमेंट भी आपके पास यहाँ पर है, और आपने ये टर्म्स भी डिसाइड कर लिया है कि जो गुड्स मैं परचेस करूँगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ करके हम लोग गुड्स को परचेस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप इस केस में यहाँ पर बायर हैं और आप अपनी बैंक के पास जाते हैं। अपनी बैंक को यहाँ पर, यानी कि जो आपकी बैंक है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इशूइंग बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली जो बैंक LC को ओपन करती है या इशू करती है वो इशूइंग बैंक हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आप एज ए एप्लीकेंट हो गए यहाँ पर और एप्लीकेशन सबमिट करते हैं बैंक को, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ देते हैं कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाना है, ये मेरा सेलर है, ये मुझे गुड्स परचेस करना है, ये हमारा एग्रीमेंट है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस है, और इस तरीके से इस मोड से मुझे यहाँ पर गुड्स को परचेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक जो है वो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करती है, जो आपकी बैंक होती है वो सारी डिटेल्स आपसे पूछती है कि जो आपके सेलर की बैंक क्या है, वो क्या कोटेशंस हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ से पूछती है। तो अब बात यहाँ पर आती है मार्जिन मनी की। मार्जिन मनी क्या होती है, देखिए वो मार्जिन मनी डिपेंड करती है आपके रिलेशनशिप पे, किस तरीके का रिलेशनशिप आपके बैंक के साथ में है। अगर आप डायरेक्टली नई बैंक के पास जाते हैं तो वो 100% मार्जिन की बोलेगा आपसे, आपका जो कॉस्ट ऑफ जो मशीन है वो कितना, 1 लाख रुपए, तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपको 1 लाख रुपए भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट अगर आप उसी बैंक के साथ पिछले 5-6 साल से वर्क कर रहे हैं तो उस बैंक को पता है कि आपका एसेट्स क्या है, आपके स्टॉक स्टेटमेंट्स क्या है, तो वो आपसे मार्जिन के लिए 25%, 10%, 20% मार्जिन के लिए पूछ सकता है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बैंक ने आपका 100% मार्जिन यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, यानी कि आपने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे वो बैंक ने उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। तो क्योंकि आप डायरेक्टली सेलर को ट्रांसफर कर रहे थे तो वहाँ पर रिस्क खड़ी हो रही थी, बट आप अपने बैंक को तो यहाँ पर जानते ही हैं, तो यहाँ पर कोई रिस्क आपके साथ में है नहीं, क्योंकि आप बैंक को जाकर बोल सकते हैं कि मुझे गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है तो मुझे मेरा फंड रिफंड करें। तो यहाँ पर इशूइंग बैंक जो है वो 100% मार्जिन के साथ आपका फंड को ब्लॉक कर देती है और आपके लिए एक LC को ओपन कर देती है, लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देती है। तो वो जो LC है वो कहाँ पर भेजती है, वो एडवाइजिंग बैंक को देती है। एडवाइजिंग बैंक यानी कि जो सेलर है, एडवाइजिंग बैंक यानी जो सेलर की बैंक है उसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सेंड कर देती है। जो एडवाइजिंग बैंक है वो एडवाइज करती है सेलर को कि आपके नाम पर एक LC ओपन हुआ है, आपको इतने अमाउंट का गुड्स डिस्पैच करना है इंडिया के अंदर इस बायर को। तो जो सेलर होता है वो यहाँ पर ये देखता है कि जिस भी बैंक ने LC को इशू किया है यानी कि ओपन किया है वो बैंक क्या है। तो आपकी बैंक यहाँ पर थी पंजाब एंड सिंध बैंक, PSB, बट एक US में बैठे हुए इंसान को ये नहीं पता कि ये बैंक की क्रेडिबिलिटी कितनी है। अगर कल को ये इशू करने के बाद बैंक डिफॉल्ट करती है तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो सेलर की बैंक है वो है सिटी बैंक, या तो सिटी बैंक यहाँ पर कन्फर्म कर दे पंजाब एंड सिंध बैंक को, या फिर हम कोई थर्ड पार्टी बैंक को यूज़ करें जो कि कन्फर्म कर दे। तो यहाँ पर एक थर्ड बैंक और आ जाती है, थर्ड बैंक कोई भी बैंक हो सकती है जो दोनों को कन्फर्म कर दे कि यार मैं इस बात को कंफर्म करती हूँ कि पंजाब एंड सिंध बैंक अगर कल को डिफॉल्ट करती है तो मैं उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट दूंगी।
तो कंफर्मिंग बैंक का सिर्फ एक ही वर्क होता है कि वो कंफर्म कर दे लेटर ऑफ क्रेडिट को टू द सेलर। तो यहाँ पर वो बैंक कंफर्म करती है तो उसका कंफर्मिंग करने का उसको कुछ कमीशन या फीस भी मिलता है। तो यहाँ पर सेलर को एक कंफर्म हो जाता है, सेलर उसके बाद क्या करता है उस गुड्स को यहाँ से डिस्पैच कर देता है। डिस्पैच करने के बाद सेलर को शिपमेंट्स करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोसेस के अंदर गुड्स को हम लोग डिस्पैच करते हैं, हमको एक बिल्टी करके डॉक्यूमेंट मिलता है, उसी प्रकार से बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट है जो गुड्स को डिस्पैच करने के बाद, शिपमेंट करने के बाद सेलर को मिलता है। सेलर उस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर दे देता है, अपनी एडवाइजिंग बैंक को दे देता है, यानी कि अपनी बैंक को दे देता है। बिल ऑफ लेडिंग के डॉक्यूमेंट्स को एडवाइजिंग बैंक जो है वो इशूइंग बैंक को ट्रांसफर कर देती है, और इशूइंग बैंक जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करती है उसको फिर वो एप्लीकेंट यानी कि बायर को प्रोवाइड कर देती है, यानी कि अल्टीमेटली बायर के पास वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद जो इशूइंग बैंक है वो सबसे पहले फंड को ट्रांसफर कर देती है, किसको, सिटी बैंक को, यूएसए के अंदर जो है एडवाइजिंग बैंक को, यानी कि जो सेलर की बैंक है। सेलर की बैंक के पास यानी कि एडवाइजिंग बैंक के पास फंड आने के बाद एडवाइजिंग बैंक जो है वो फंड को ट्रांसफर कर देती है सेलर को। तो सेलर को यहाँ पर पैसा मिल जाता है और जो बायर है उसको यहाँ पर अपना गुड्स मिल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने बात की लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसेस के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने जो पार्टीज इन्वॉल्व थी वो थी कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक, बेनिफिशरी यानी कि सेलर, बायर, ओपनर ऑफ द LC। तो यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक ने जिस तरीके से फंड दिया है अभी सेलर को, यहाँ पर दो और बैंक इन्वॉल्व होती है, एक होती है रीइंबर्सिंग बैंक और एक और बैंक होती है नेगोशिएटेड बैंक। हर बार जरूरी नहीं कि एडवाइजिंग बैंक ही जो है वो सेलर को फंड दे, यहाँ पर रीइंबर्सिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स अब हम फाइनली इसकी डेफिनेशन को एक बार समझते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने समझा है वो किस तरीके से मैच कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट की, एन अंडरटेकिंग बाय द इशूइंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बायर। हम लोगों ने देखा है कि एक इशूइंग बैंक थी, उसने अंडरटेकिंग ली किसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे, टू द बेनिफिशियरी टू मेक पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। सो एन अंडरटेकिंग बाय एन इशूइंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बायर टू द बेनिफिशियरी टू मेक पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो यही हम लोगों ने देखा था अभी कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सबमिट किया सेलर ने और यहाँ पर उसको जो है वो पेमेंट यहाँ पर रिसीव होता है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यहाँ पर बैंक का किस तरीके से रोल है, बैंक का क्या प्रॉफिट है यहाँ पर। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना कस्टमर के बिहाफ पे, तो यहाँ पर बैंक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जिसको हम लोग जो इनकम हेड है बैंक का वो नॉन इंटरेस्ट इनकम के हेड में जाता है, यानी कि बैंक जो जनरली जो पैसा कमाती है वो इंटरेस्ट इनकम से पैसा कमाती है, बट यहाँ पर जो है वो जो इशुएंस होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का वो नॉन इंटरेस्ट इनकम के थ्रू यहाँ पर बैंक पैसा बनाती है। तो अब हम लोग फाइनली इसकी देखते हैं कि इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बायर होता है एप्लीकेंट, जिसको हम ओपनर बोलते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टर होता है, इशूइंग बैंक यहाँ पर क्या होती है, जो बायर्स की बैंक होती है जो LC को इशू करती है, एस्टेब्लिश करती है या ओपन करती है। बेनिफिशियरी को हम लोग सेलर बोलते हैं, जो एक्सपोर्टर होता है, अल्टीमेटली जो फंड रिसीव करने वाला बंदा होगा उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। एडवाइजिंग बैंक क्या होती है, जो ऑथेंटिकेट करती है लेटर ऑफ क्रेडिट को और एडवाइस करती है सेलर को कि आपके लिए यहाँ पर LC ओपन हुआ है। कन्फर्मिंग बैंक क्या करती है, कन्फर्मिंग बैंक ऐड करती है कन्फर्मेशन कि अगर इशूइंग बैंक डिफॉल्ट करती है तो उसके बिहाफ पे मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर। फिर दो बैंक और यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, एक होती है नेगोशिएटिंग बैंक और एक होती है रीइंबर्समेंट बैंक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेगोशिएटिंग बैंक का यहाँ पर क्या काम होता है। नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो रिव्यू करती है डॉक्यूमेंट्स को और उनको चेक करती है तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स और कंडीशंस को मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेगोशिएटिंग बैंक यहाँ पर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी ढूंढने की कोशिश करती है कि कोई गलती तो नहीं है, अगर वहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स को वापस से इशूइंग बैंक के पास सेंड कर देती है, और अगर उसमें सब कुछ सही होता है तो नेगोशिएटिंग बैंक क्या करती है, रीइंबर्सिंग बैंक से पेमेंट लेके एक्सपोर्टर को अपना पेमेंट कर देती है। एक इंपॉर्टेंट और बात यहाँ पर यह है कि नेगोशिएटिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक जो होती है वो सिमिलर भी हो सकती है, जैसे कि हमारे केस के अंदर जो एग्जांपल के अंदर हमने देखा था नेगोशिएटिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक सिमिलर थी, बट नेगोशिएटिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक अलग अलग भी हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है पर नेगोशिएटिंग बैंक का कि अगर नेगोशिएटिंग बैंक को लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो विदाउट डिस्क्रिपेंसी है, सब कुछ एक्यूरेट है, तो वो अपनी क्रेडिट रिस्क के ऊपर एक्सपोर्टर को एडवांस भी कर सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक का। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस पूरी तरीके से काम करता है डिटेल के अंदर, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ LCs के बारे में, जैसे कि ट्रांसफरेबल LC, बैक टू बैक LC, रिवोकेबल LC, इररिवोकेबल LC,
स्टैंड बाय एलसी, रेड क्रॉस एलसी, विदाउट रिकॉर्ड्स एलसी, तो सारे एलसी को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि तो सारे एलसी को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी एलसी जो है वो ज़्यादा यूज़ में आती है और हम लोगों को किस तरीके की एलसी का यूज़ करना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर हिट करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।